गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सर्वनाम एक प्रोनाउन। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो एग्जांपल देखते, जैसे दिया हुआ है, राम ने राम की माँ से कहा राम की कलम खो गई है। मोहन ने सोहन से कहा मोहन आज दिल्ली जाएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में राम तथा मोहन संज्ञा के बार बार आने के कारण वाक्य अटपटे लगते हैं। यानी हम लोग अगर एक ही चीज़ को बार बार बोलेंगे, राम बाजार गया, राम खा रहा है, राम ये कर रहा है वो, यानी इस टाइप का अगर सेंटेंस बोले तो क्या करते है? अच्छा नहीं लगता है। राम ने अपनी माँ से कहा उसकी कलम खो गई, मोहन ने सोहन से कहा वह आज दिल्ली जाएगा। इस टाइम में के सेंटेंस में अपनी, उसकी, वह, ये जो है जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाक्यों का अटपटापन दूर हो गया है। इस प्रकार के संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। से एग्जांपल यह, वह, तो, तुम, हम, आप, कौन, क्यों, कुछ, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम के उदाहरण एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराए, किसी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कहने वाला, अगर हम लोग अपने बारे में कहेंगे मैं, हम, इस टाइप के, यानी जो कहता है वह उत्तम पुरुष, सुनने वाला तू, तुम, तुम्हारा, आप, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वह आज बाजार गया या किसी तीसरे के बारे में कहा गया, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। यानी जो कहता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए वह अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक ज्ञान कराए, यानी बताए एग्जैक्ट के बारे में बताए कि हाँ ये सही में, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह जा रहा है, ये खा रहे हैं, वह मेरा भाई है, वे राम के घर गए। इसमें क्या निश्चितता का बोध है कि हम लोग कन्फर्म है कि वह क्या कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है या फिर वह क्या खा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें निश्चित हो कि हाँ सर्टेन हो, तो उस टाइप के क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक ज्ञान नहीं कराता है, जिसमें ये पता नहीं चलता कौन है, क्या है, कैसा है, तो उस टाइप के सेंटेंस, उस टाइप के वर्ड को क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई गा रहा है, गा तो रहा है पता है, लेकिन कौन गा रहा है ये पता नहीं, क्या हो गया? यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये पता नहीं, इस टाइप, ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये दोनों क्या आपस में एक दूसरे जुटे हुए हैं, जो दौड़ेगा वह गाड़ी पकड़ लेगा। जो एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है वो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी वस्तु का ज्ञान करवाते समय प्रश्न का बोध करवाते हैं। यानी ऐसा लगे क्वेश्चन पूछें, जैसे कौन गा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या खा रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन है, प्रश्न का, क्वेश्चन का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द कर्ता यानी स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द कर्ता यानी खुद के लिए यूज होता है उसे निजवाचक, जैसे मैं अपना काम कर लूँगा। इसमें अपना जो है खुद के लिए, हमारे लिए आ गया, ये क्या हो गया? निजवाचक। वह अपने अपने आप सहट गया, अपने आप वह के लिए ही आया है खुद के बारे में, ये भी निजवाचक। इस टाइप का जो वर्ड होगा उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक
निज वाचक सर्वनाम कहेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं ये आप लोगों को करने हैं। बाय, टेक केयर।